कॉलेज में जिस बैंक की सीढ़ियों पर बैठता था, आज उस बैंक का चेयरमैन बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बात केसीसी बैंक के नवनियुक्त चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बैंक में चुनौतियों को लेकर डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि पिछले 3 दशक से पार्टी से जुड़ा हूं, कई चुनौतियों का सामना किया है, मैं चुनौतियों से निपटना जानता हूं। उन्होंने कहा कि बैंक दुकानदारी है, इसीलिए उनकी पहली प्राथमिकता कस्टमर होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 साल के भीतर बैंक को बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। बैंक की बेहतरी के लिए कई प्लान जहन में है, जिसके बारे में मैनेजमेंट से चर्चा करके बैंक को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। आगामी 2-3 माह में हम कई प्लान लेकर आएंगे। जो मन में है उसे अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन मैनेजमेंट और अधिकारियों से चर्चा करके प्लान्स को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक में जिसने भी गलत किया होगा उस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले अपने संगठन का और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। लेकिन ये दायित्व हमारे संगठन में दायित्व को डेजिग्नेशन नहीं माना जाता, जिम्मेवारी माना जाता है। और जिम्मेवारी चिंताजनक भी होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दायित्व मुझे मिला है। और मैं आप सबको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज मैंने अपना फॉर्मली ऑफिस अज्यूम कर लिया है। हम लोग मिल बैठकर, मैनेजमेंट, हमारे ऑफिसर्स, सब लोग मिल बैठकर इस बैंक को बुलंदियों तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं 30 साल से पार्टी का काम कर रहा हूं सर, और सदा चुनौतियों का सामना किया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे इस चुनौती का सामना करने का अवसर प्रदान किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बैंक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बैंक ऊपर से बहुत नीचे तक आ गया, मुझे लगता है कि एक कहावत है, समटाइम परसेप्शंस ओवर पावर रियलिटी। हमारी धारणाएं कई बार क्या होती हैं, जो वास्तविकता होती है उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो जितना लगता है उतना मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ होगा, लेकिन मैं बैठा हूं, यहां बैठेंगे बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि मुझे जो मुख्यमंत्री जी से मैं पहली बार मिला, उन्होंने कहा बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से काम करना है, और इसलिए आपको ये जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं बैंक के माध्यम से, पूरी मैनेजमेंट, पूरे ऑफिसर्स, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बाद हम कई प्लान्स लेकर आपके सामने आएंगे। आज तो मुझे यही कहना कि मुझे समय दीजिए, और बहुत जल्द मेरे मन में क्या है, मैं अपने अभी आपके साथ बात नहीं कर सकता, मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ बात करूंगा, अपने ऑफिसर्स के साथ बात करूंगा। हम लोग बहुत जल्द फिर से आपके पास आएंगे, और एक विश्वास दिलाता हूं, 1 साल के बाद आपको, आप मुझे कहोगे कि आपका बैंक बहुत ऊपर चला गया है, बुलंदियों पर चला गया है। क्योंकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं इस बैंक में अध्यक्ष के रूप में आया हूं। मैं धर्मशाला कॉलेज का विद्यार्थी था, नीचे पौड़ियां सीढ़ियां होती थी, हमारे सामने कुलदीप का ढाबा है, यहां हम चाय पिया करते थे, इन्हीं सीढ़ियों पर बैठते थे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस बैंक की सीढ़ियों पर मैं बैठता था, उसे आज मुझे अध्यक्ष के रूप में सम्मान प्राप्त किया मिला है मुझे। मैं आपका भी, सबका भी, मैनेजमेंट का भी, सबका धन्यवाद करता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी, कस्टमर्स, कस्टमर्स एंड कस्टमर्स, क्योंकि ये एक बैंक है, ये एक दुकानदारी है। हम लोग इस बैंक को, कस्टमर के प्रति हमारा विश्वास कैसे बहाल हो, इसके लिए सबसे पहला काम मेरा होगा कि हमारे जो कस्टमर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बैंक ब्रांचेज हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, हमारे कांगड़ा में, लेकिन जितना विश्वास जनता का आज भी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक पर है, बहुत ज्यादा विश्वास है हमारे ऊपर उनका, उस विश्वास को फिर से और अधिक बढ़ाने का काम मैं करूंगा।